हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 3rd की इंग्लिश की 40 नंबर वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट में बच्चों आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखनी है जिस दिन आप इस वर्कशीट को सॉल्व करोगे। हमारा बच्चों लर्निंग एरिया है वो रहेगा रीडिंग एंड राइटिंग, तो आपको रीडिंग भी करनी है, पढ़ना भी है और राइट भी करना है, लिखना। तो बच्चों नीचे कुछ बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, उनको हमें यहाँ कॉलम में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बॉक्स में जो जो बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं बच्चों पक्षी, और वाइल्ड एनिमल होते हैं जो जंगल में रहते हैं, और पेट एनिमल होता है घरेलू जो हमारे साथ रहता है, ठीक है, जिनको हम पालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको इनमें से छांट छांट कर नीचे कॉलम वाइज लिखना है बर्ड्स। तो बर्ड कौन कौन से है वो हमने यहाँ से पढ़ना है पहले, फिर लिखना है। तो बच्चों डियर, डियर क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है जो कि जंगल में रहता है, ठीक है, तो ये बच्चों वाइल्ड एनिमल्स के कॉलम में आएगा। अब हाइना, बच्चों हाइना भी वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। फॉक्स, फॉक्स भी बच्चों वाइल्ड एनिमल है। डव, डव बच्चों बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड है ये। कैट, कैट है बच्चों पेट एनिमल्स, क्योंकि इसे हम अपने आसपास देखते हैं, लोग पालते भी हैं। अब बच्चों पीकॉक है, पीकॉक है बर्ड, तो ये बर्ड वाले कॉलम में आएगा। अब बच्चों कुकू, कुकू कोयल, ये भी बर्ड है। काओ, काओ बच्चों आएगा पेट एनिमल में। और लॉयन, लॉयन होता है बच्चों वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है। और टाइगर, टाइगर भी बच्चों वाइल्ड एनिमल में आएगा। अब है बच्चों शिप, शिप बच्चों आएगा पेट एनिमल में, ठीक है, क्योंकि ये इसे हम पालते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है बियर, बियर बच्चों वाइल्ड एनिमल में आएगा, ठीक है। गोट, गोट, गोट आएगा बच्चों पेट एनिमल में। हैन, हैन बच्चों बर्ड है, मुर्गी, ठीक है। अब बच्चों है जैकल, जैकल भी बच्चों वाइल्ड एनिमल है। वॉल्फ, वॉल्फ भी वाइल्ड वाइल्ड एनिमल में आएगा। ऑक्स, ऑक्स आएगा बच्चों पेट एनिमल में। क्रो, क्रो बर्ड है। बफेलो, बफेलो बच्चों पेट एनिमल में आएगा। डंकी, डंकी भी बच्चों पेट एनिमल में आएगा। और बच्चों ईगल, ईगल बर्ड में आएगा। हॉर्स, हॉर्स आएगा बच्चों पेट एनिमल में। ठीक है बच्चों, हॉर्स आएगा पेट एनिमल में। अब बच्चों रह गया है हमारा कोक, मुर्गा, वो आएगा बच्चों बर्ड में। और स्पैरो, स्पैरो भी बर्ड में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको छांटना था बर्ड्स को, वाइल्ड एनिमल्स को और पेट एनिमल्स को, जो बच्चों हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया। सेकंड बच्चों क्वेश्चन है, यू वेंट टू अ जू विद योर अंकल, आप अपने अंकल के साथ जू में गए हो, जू होता है चिड़ियाघर। व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां पर क्या क्या देखा। मेक अ फ्यू सेंटेंसेस, आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन अबव, तो बच्चों नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आप उनकी हेल्प दे ले सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, आई वेंट टू अ जू विद माई अंकल, आई सा मैनी डियर देयर, मैं मेरे अंकल के साथ चिड़ियाघर में गया, मैंने वहां पर बहुत सारे हिरन देखे। डियर होता है हिरन। तो बच्चों कुछ सेंटेंस हमें बनाने हैं, तो पहला बनाया है बच्चों हमने, इन अ जू देयर आर अ लोट ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड है बच्चों, आई सा एलिफेंट, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा इन द जू। थर्ड बनाया बच्चों, आई सा सम मंकीज टू, मैंने वहां पर बहुत सारे बंदर भी देखे। आई थ्रू सम ग्राउंडनट्स एट देम, मैंने उनकी तरफ कुछ मूंगफलियां फेंकी, मूंगफलियों के दाने फेंके। लास्ट है बच्चों, आई सा पैरेट, पीकॉक्स एक्सेट्रा, वहां पर मैंने पैरेट देखा, तोते देखे और मोर देखे। ठीक है बच्चों, लास्ट लाइन मैंने बनाई है, आई लाइक जू वेरी मच, मुझे चिड़ियाघर बहुत पसंद है, पसंद आया। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो आज की वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।